हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर चैनल हैप्पी फैमिली व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो आज हम जा रहे हैं वीकली ग्रोसरी करने के लिए, तो कुछ यूनिक हो तो फिर शेयर करने को भी दिल करता है। सेम रूटीन जो है वो कभी कभी शेयर करने को दिल नहीं भी करता, तो आज जो है वो सिंपल सारा दिन की बिज़ी रूटीन के बाद शाम को निकले हैं। तो सबसे पहले बरज़ा फातिमा के जो है ना कटिंग करवानी थी, तो उसके लिए क्योंकि इसके वैसे काफ़ी देर से इसकी कटिंग कराने के लिए लगे हुए थे, लेकिन बाल आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बड़े हो गए, तो इसके दादू कह रही थी इसकी कटिंग कर दें ताकि इसके जो है ना अच्छे से बाल आ जाएं। उसके बाद वीकली ग्रोसरी करनी थी, तो उसके लिए सब्जियां जो है एक ही पूरे वीक की जो है वो लेके रख लेती हूँ, तो पूरा जो वीक है ना वो आराम से गुजर जाता है। तो फिर एक वीक जो सब्ज़ी लाई होती हूँ फिर वो दूसरी वीक नहीं लेती, फिर जो दूसरे वीक लेती हूँ फिर वो मतलब इस तरह चेंज चेंज करके ना, तो सारी अलग अलग जो है वो हम सब्जियाँ भी ख़रीद लेते हैं। तो सब्ज़ी ख़रीदने के बाद दूसरी जो चीज़ की बारी आती है वो है आग के फ्रूट्स। तो अब्दुलरहमान केले शौक से खाता है, तो फ्रूट तो ला के रखती हूँ कि अब्दुलरहमान खा लेगा, लेकिन वो केले ही शौक से खाता है, तो और वो कोई चीज़ इतने शौक से जो है वो खाता नहीं। और उसके बाद आम जो है अब उस तरह के अच्छे आ ही नहीं रहे, मिल ही नहीं रहे जैसे कि पहले आम जो है ना वो मिलते थे। कि आपके इलाकों में अगर अच्छे आम मिल रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे तो बिल्कुल भी जो है वो अच्छे आम नहीं मिल रहे। शुरू में जब मेरे हस्बैंड आए हुए थे ना पाकिस्तान, तो वो जाके लेके आते थे कहीं दूर से, तो वो अच्छे वो आम मिलते थे, शेक पीने का भी मज़ा आता रहा है। जितने दिन हस्बैंड इधर रहे हैं तो काफ़ी मतलब हमने इंजॉय भी किया है, और जब से ये गेम है तो भाई हमें अच्छे मैंगो मिले ही नहीं, तो उसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा होता है कि जब ये इधर थे तो डेली जो है हम मैंगो का शेक बना के पीते थे और अच्छे मैंगो मिलते हैं। उसके बाद जनाब सब्ज़ी भी खरीद ली, फ्रूट भी खरीद लिया, चिकन ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे मटन बीफ की शॉप पे आ गए नेटो पे। तो अब हम यहाँ से ख़रीदेंगे, मुझे जो है वो कीमा ख़रीदना था मटन का, तो वो ख़रीद लिया। तो वीक में इसी तरह हो जाएगा कि एक दिन सब्ज़ी भी बन जाएगी। वैसे भी आजकल तो मेरा दालें खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, तो यह कि हर चीज़ को जरा अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, सब्ज़ियाँ भी होनी चाहिए, दालें भी होनी चाहिए, और चिकन मटन बीफ की चाहे थोड़ी क्वान्टिटी में लें, दो कोशिश करें वीक में एक दफ़ा जो है वो इनमें से भी कुछ बनाएं। तो इस तरह अपने वीक को जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट किया करें, अपनी वीकली जो ग्रोसरी आती है ना आप उसको इस तरह से किया करें कि आपकी सब्ज़ी भी उसमें बने और दालें भी बने और चिकन मटन में से भी कोई चीज़ बने। तो उसके बाद जनाब जो हमारी वीकली ग्रोसरी है ना उसमें बच्चों की जो चीज़ें हैं वो तो ज़रूर आती हैं। तो मुझे बच्चों के लिए जो है वो दोनों बच्चों को नज़ला लगा हुआ है, उसके अलावा जो है डाई गेस जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं वो भी ज़रूर खरीदने थे। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं ग्रोसरी वगैरह कंप्लीट करने के लिए, करने के बाद अब हम यहाँ पे आए हैं कुछ खाने पीने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आए हैं मलकली चम क्रोश वालों के पास, जो है सर्विस फॉर अलशिफा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के ऑपोजिट। इनकी सियालकोट में सबसे मशहूर चाम्प है। आइए आपको हम दिखाते हैं इनका तैयार करने का तरीका। वीडियो इनकी तैयारी हो रही है, तो ये वहाँ पे पकड़िए काम। ये देखिए कितने मजे की जूसी चाम है। और बॉटल ये जो हमारे साथ आए हैं ये दोनों बीफ है, ये बीफ नहीं खाते इनको हम। जो हमारे साथ आया ना ये बीफ बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन हमें यहाँ की बीफ जब बहुत ज्यादा पसंद आई इसलिए हम जाना खिलाएंगे, जबरदस्ती खिलाएंगे। नहीं भाई इसको इसके साथ नहीं करनी, जबरदस्ती कहीं इधर ही काम खराब किया है। चलो भाई टूट पड़ो मान, दिल कर रहा तुम्हारी वीडियो बनाओ जैसे तुम गौर से देख रही हो। ऐसे ऐसे लेना है ठीक है, जिसको लगाना है रायते में ऐसे 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 ठीक है।
खाती हैं मैं। इतना बड़ा ग्लास टीचर की चमची। ये किसका दूँ? ये शराब की है क्या आपकी? आज फिर इधर की बात है। अच्छा जब जो हमारी थूलन है ना उसके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड आए हुए थे तो हम यहाँ से चाव ज़रूर खाते थे और हमें जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया था यहाँ से चाव करने खाने खा के, तो हम अपनी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा कर रहे थे। तो जनाब बहुत ही मज़े की लस्सी थी। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लस्सी की लोकेशन है जो सियालकोट में बग्गा दाल चावल है ना उसी रोड पे ये लस्सी वाले, और बहुत मज़े